सभी वकील साथियों को संदीप मलिक का नमस्कार। वकील साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सोनीपत बार एसोसिएशन में 15 दिसंबर 2023 को चुनाव है और इस चुनाव में मैं प्रधान पद के लिए खड़ा हूं और बार से अपील करता हूं, तमाम अपने वकील साथियों से अपील करता हूं कि मुझे वोट और सपोर्ट करें और मुझे भारी मत से जो विजयी बनाएं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं, अगर भाईचारा मुझे मौका देता है, तो कुछ काम, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ सुविधाएं हैं जो मैं बार में वकील साथियों के लिए आगे और बढ़ाना चाहता हूं, उनको करना चाहता हूं। उनमें जैसे नए वकील साथियों के लिए भत्ते की व्यवस्था है, उनके लिए सीट और या चैम्बर की व्यवस्था है ताकि वो अपना सुचारू रूप से काम कर सकें, और उन भत्ते से कुछ जो शुरुआती समय होता है उस समय उनको एक आर्थिक मदद की जरूरत होती है, वो उनको मिल सके। और वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, हमारे जो सीनियर्स एडवोकेट हैं, उनके लिए क्लब की व्यवस्था ताकि वो छुट्टी वाले दिन भी अपना वहाँ पे आके समय व्यतीत कर सकें और एक दूसरे से मिलजुल सकें। तीसरा, जो बार और कोर्ट परिसर है उसमें सफाई की और अच्छी व्यवस्था करना चाहता हूँ। लिटिगेंट हॉल जो हमारा है उसमें हाई कोर्ट की स्टाइल पे ही, जैसे हाई कोर्ट में है वैसे ही यहाँ पे भी एक हाई कोर्ट स्टाइल में इसको एसी लिटिगेंट हॉल बनाना चाहता हूँ, उसकी व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ अगर वकील साथी और भाईचारा मुझे इसमें अगर आगे बढ़ाता है। वकीलों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, किसी भी वकील साथी के साथ कोई भी हादसा पहले भी होते रहे हैं, आगे भी भगवान ना करे ऐसा कोई हो, लेकिन एक सेफ्टी के लिए हमारे पास एक इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और वकील साथियों के लिए सेमिनार की व्यवस्था भी करवाना चाहता हूं ताकि नए जो साथी हैं या जो पुराने साथी हैं उनको भी अमेंडमेंट जितना हुआ है कानून में उनके बारे में पता लग सके। और वकीलों के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाना चाहता हूं और साथ साथ इसके जिम की व्यवस्था भी वहाँ पर करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे वकील साथी खेलों में भी रुचि रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक वकील साथी सीनियर एडवोकेट जिन्हें उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे रेस में, अलग अलग इवेंट में उसमें, और हमारी जो क्रिकेट टीम है बार की, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रॉफी लेके आई। अब तक वो सेमीफाइनल तक पहुंचती रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सोनीपत बार की टीम ने ट्रॉफी जीती है। उसके लिए भी साथ साथ मैं उनको बधाई भी देता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि ऐसे और बहुत सारे गेम हैं जिसमें हमारे वकील साथी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, मेडल्स ला सकते हैं। तो मैं उनके लिए खेल में जो है, जो भी भागीदारी उनकी है, उनमें आगे बढ़ावा देते हुए उनके लिए सुविधाएं अरेंजमेंट किए जाएं ताकि वो बढ़ चढ़ कर खेलों में भाग लें और बार का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और वकीलों के लिए जो आज के समय में भी एक समस्या जो बनी रहती है पार्किंग की, जो पार्किंग जो है उनको अच्छे से मुहैया कराया जाए ताकि एक मैनेजमेंट करके उनको अच्छी तरह व्हीकल जो वहाँ पे सबके खड़े हो सके ताकि किसी वकील साथी को कोई असुविधा ना हो। और उनके साथ साथ वकीलों की जो सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे कदम हैं जो उठाने हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए भी जो टॉयलेट्स की जो सुविधा है वो करनी है, क्योंकि कुछ अभी डिमांड आई है लेडी एडवोकेट की तरफ से भी कि उनको जो है और लेडी टॉयलेट की जरूरत है, तो उसको भी मैं, उसकी व्यवस्था भी मैं करूंगा। और बहुत सारे काम है जो भी बार के वेलफेयर में, जो वकील साथियों के वेलफेयर में, जो भाईचारे को बढ़ावा देने के जो काम होंगे उन सब में मैं पूरा अपना जो है रोल अदा करूंगा। तो सभी भाईचारे से मैं अपील करता हूं कि मुझे वोट और सपोर्ट के साथ भारी मतों से विजयी बनाए। आपका अपना बेटा, भाई, दोस्त संदीप मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।